स्तुतियों में तो उत्पत्ति स्तुति क्या है हमें सृष्टि और स्तुति वाक्य को आप सत्य मानते उस बात को क्या करोगे। तो उसको उत्तर में यही बोला था कि उपाय से मृत दुख निष्फुले कार्य सृष्टि या छोड़ी का अन्न था उपाय से अवतार नास्ति भिन्न कथन चला। शास्त्र में जो व्यक्ति का स्फुलिंग आदि से उत्पत्ति के बारे में कथन किया गया है एक उपाय है। क्या उपाय है? उस अद्वैत तत्व जगत की मूल कारण एक है और कारण को छोड़कर के कार्य कभी नहीं रह सकता। इसलिए कारण कारण का ही एक संस्थान विशेष को हम कार्य बोलते हैं किंतु उसके कोई पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। सूर्य आपने आप बोल दिया बाजारो नाम इस प्रकार से जो सृष्टि स्थिति के कात्मा के विषय है उसको दिखाया और उसको समझाने के लिए आगे और भी बोलते हैं परमेश्वर अपनी माया शक्ति से अपने अनेक नाम का भी प्रयोग किया अजाय मान बहुधा माया जाए पार्वती जन्म रहित होते हुए भी माया से अनेक नाम रूप का भी प्रयोग हुआ जैसा चाहे आपका मतलब पारमार्थिक सृष्टि हो मतलब परिणाम बात को मानोगे अथवा विवर्त बात को मानो श्रुति बात को तो एक ही प्रकार होना है परंतु आगे पीछे उत्पत्ति वाक्य के साथ अब तात्पर्य निर्णय छह लिंगों के आधार पर श्रुति वाक्य को तात्पर्य निर्णय पर आपको लिखा होता है कि श्रुति की सृष्टि में तात्पर्य नहीं है सृष्टिकर्ता में तात्पर्य। आज तक एक भी श्रुति वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें श्रुति ने ये कहती है कि सृष्टि श्रुति को जानने से तुम्हें यह फल मिलेगा। हर जगह पर एक ही वाक्य कहती है कि सृष्टिकर्ता को जानने से सृष्टि करते उसमें है नहीं कारण है परंतु आरोप करके हम बोलते हैं आरोप करके बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा शब्द भगवान का चुका यहाँ पे क्या कहा उपाय हमेशा उपयनिष्ठ होता है उपाय उपयनिष्ठत्वाचार अपने वहाँ बोलते हैं इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं तब हमको समझ नहीं आना चाहिए 26 की भाषा में पेज 170 अदृश्यता दर्शयती श्रुति उपाय उपयनिष्ठता अजानत इसी को करना चल रहा है। तो उपाय जो है किसी भी जगह पर कोई उपाय को अपनाया गया है वो उपाय उपयनिष्ठ होता है। एक बच्चे को बचपन में आप ए बी सी डी सिखाते हैं ए बी सी डी एक उपाय है आगे जाता है तो शब्द प्रयोग व्यवहार करता है। हम 1, 2, 3, 4 सिखाते हैं उसमें का संख्या संबंध विज्ञान 100 के 1000 के है लाख के है करोड़ के ये वो होता है। हर जगह पे उपाय उपयनिष्ठ होता है तो ब्रह्मसूत्र भाषा में भी आया यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ भी श्रुति ने जो उपाय को अपनाया क्या उपाय अपना सृष्टि की आधारों प्रक्रिया को अपनाया ये उपयनिष्ठ है जहाँ पर सृष्टि राहित उसको दिखाने के लिए सृष्टि राहित को दिखाने के लिए एक उपाय को अपनाया गया श्रुति के लिए पारमार्थिक श्रुति ने किया उपाय से अवतार आय नास्ति भेद कथन चल रही तो उपाय है हमारे अंदर एकत्व बुद्धि को अवतरण करने के लिए नास्तिक भेद कहीं नहीं। इस प्रकार से श्रुति वाक्य की तात्पर्य निर्णय लिंग के आधार पर उसकी तात्पर्य इसमें जब आप इसको देखेंगे तब आपको पता लगेगा सृष्टि को श्रुति वाक्य को सृष्टि में तात्पर्य नहीं है सृष्टिकर्ता को समझाने के लिए तात्पर्य है। कौन सा श्लोक चल रहा था हम लोगों का 26 उसका थोड़ा टीका अच्छा होगा ठीक है। श्लोक नंबर 36 को एक शब्द पढ़ेंगे पेज 199 ठीक है। शैष नेति नेति व्याख्यातम निहुदेयतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनः ब्रह्म प्रकाशते। श्रुति अपने आप बोलती है बृहदारण्यक श्रुति है मूर्तमुक्त ब्रह्म आया है अथा तो आदेश नेति नेति स्वयश नेति नेति आत्मा के बाप को श्रुति में मन बृहदारण्य श्रुति में स्वयश नेति नेति आत्मा चार बार आया हुआ है एक बार सागर ब्राह्मण में एक बार उच्च ब्राह्मण में एक बार है उसमें ज्योतिर ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण आता है वहाँ भी अंतिम में जब यहाँ पे हमारा आत्मतत्व निरूपण प्रक्रिया समाप्त हो जाए वहाँ भी आया
शायशो नेति नेति आत्मा अब क्यों नहीं प्रिय तो अशीर्य नहीं शीर्य तो अब क्या तो नहीं व्यस्त इस प्रकार की सुविधा को नीचे चाप लगाया उसको बोलते हैं कि श्रुति जो है अपने आप बोलती है या शायश नेति वो आत्मा निश्चित रूप में ग्रहण होता है क्योंकि कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको हमको अगर बिजली का समझाना हो तो कोई ना कोई उपकरण के बिना बिजली क्या है हम समझा नहीं सकते और वो सीधा सीधा नहीं देखते बस उस निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व को समझाने के लिए उपाधि के माध्यम से वो समझ में आता है कि जड़ में चेतन जैसे प्रवृत्ति देख करके हम निश्चय कर सकते हैं कोई एक चेतन तत्व जरूर है ये भी पंच महाभूति ये दूरी विचार भी है पंच महाभूति की शरीर भी है पर ये शरीर चेतन की तरह व्यवहार कर रहा है ये नहीं कर पा रहा है केवल इतना ही मात्र है इसमें व्यवहार करने के उपकरण की कमी तत्व है तो वो तत्व शरीर के अंदर वो चेतन तत्व यहाँ पे होने के कारण ये जड़ शरीर में व्यवहार हो पा रहा है इसलिए श्रुतियाँ भी बोलते हैं स्वयं नेति नेता जितने प्रकार से व्याख्यान कहीं भी किया गया है श्रुति अपने आप सब निश्चित कर देते हैं वहाँ पे दो बार नेति नेति की भिक्षा है व्याप्तों इच्छा भिक्षा जितना भी सृष्टि की वस्तु दिखाई पड़ रहा है उसको निषेध करते हैं करता भी जाता है कुछ पूर्ण नीति से व्याप्त तत्व समझ में आता है इसको बोलते हैं कि सर्व अग्रह्य भावेना जो भी कुछ हमको इंद्रिय के तरह ग्रहण होता है इस सारा चीज़ को निषेध करके एक बार निषेध के अधिष्ठाता के रूप में जो रह जाता है वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है जो कभी निषेध का विषय नहीं बनता जिसका निषेध का अधिष्ठाता रूप में इस कारण से उस इस प्रकार निषेध करने के द्वारा हेतु न अजम प्रकाशक इस परमात्मा के द्वारा वो जन्म ही तब तक प्रकाशित होता है यहाँ पे हम लोगों ने ये भाष्य को पूरा पढ़ लिया था इसके ऊपर टीका चल रहा है टीका के लास्ट पेज हम भी पढ़ लिए थे लिखिए कि पेज 199 में जो टीका का जो पंक्ति है स ईश्वर इत्यादि बड़ी एक बने इत्यादि स्पन्न से टीका शुरू होगा वो 170 पेज में 169 पेज पर भाष्य का लास्ट पेज पढ़ लिए थे स ईश्वर इत्यादि श्रुति अदृश्यताम आत्मनो विशेष निषेध मुखेन दर्शयंती जब विश्वम कार्य मनसा वाचा च गोचरी भूतम तब अशेषम अर्थात अपलपति अपल अपलपति स ईश्वर इस प्रकार वाक्यों के द्वारा स ईश्वर ने दिने दी आत्मा अर्थात तो आदेश ने दिने दी ये जो बोलते हैं इत्यादि श्रुति इस प्रकार की श्रुति वाक्य अदृश्यतम आत्मनो आत्मा में दृश्यत्व रूप धर्म मतलब इंद्रिय अगोचरत्व तो आत्मा में जो धर्म बैठे हैं उसको विशेष निषेध होकर जितना भी संसार में विशेष दिखाई पड़ते हैं संसार को इतने का इतना समस्या नहीं है समस्या बिना बैठा हुआ जितने सारे विशेष हमने यहाँ पे आरोप कर रखा है वहाँ से शुरू किया मैं एक मनुष्य हूँ बस इसके ऊपर एक के बाद एक मंदिर बना दिया यहाँ तक के निषेध है यहाँ तक के निषेध इसको बोलते हैं उसके बाद तो पुरुष संस्थे मनुष्य आदि हैं वेदांत भी कई प्रकार के जितना भी मंदिर बना हुआ है वो सब हमारे लिए प्रतिबंध कर दिया सर ईश्वर के तर्क या शरीर अदृश्य काम आत्मा में कोई इंद्रिय गोचरत्व रूप धर्म नहीं है इसको कैसे समझाए विशेष निश्चित मुख्य न दर्शयन के विकलापी विस्तृति श्रुति का विशेषण है विकलापी विस्तृति समस्त विशेष को निश्चय के माध्यम बना करके जब विश्व कार्य मनसा वाचाचा गोचर एक दृश्यात्मक जगत दिखाई कर रहे हैं जो मन और वाणी के विषय बनते हैं तब अशेषण अर्थात वो जितने सारे विदाउट कीपिंग एनी विवेक तक सारा चीज़ को श्रुति अपलाभ कर देते हैं निश्चित कर देते हैं कि पारमार्थिक वस्तु नहीं है इसलिए सा ही परमार्थ वस्तु अदृश्य मित्र भगवान सा श्रुति ही परमार्थ वस्तु अदृश्य मित्र भगवान जो पारमार्थिक वस्तु है वो इंद्रियगम्य वस्तु नहीं है ऐसा कहती भी गुरबाना ये भी पार्टिसिपल है दर्शन ये भी पार्टिसिपल है गुरबाना ये भी पार्टिसिपल है ये आपका वर्ष के कारण स्त्री को बदलने के कारण ये इकार आकार ये निकल करते हैं एक क्षत्रिय अंत है एक सनज है अपन को ये वर्ष में दर्शन सा ही स्मृति परमात्म वस्तु अदृश्य मित्र गुरबाना वो स्मृति पारमार्थिक वस्तु इंद्रियगम में नहीं है इस प्रकार बोलती हुई विश्वस वस्तु न होगा जब इसलिए दृश्यात्मक जगत पारमार्थिक होने पर ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं होता तथा च अनुपत्ति विश्व वर्ग से अवस्तु उत्तम से अनुपत्ति मतलब अर्थात प्रत्येक प्रमाण दे रहा है विश्व वर्ग से अवस्तुत्तम बिना निषेधम अनुपन्नम
विश्ववर्गस्य अवस्तुत्वं विना तन्निषेधम् अनुपन्नम्। अप्रकाशा प्रतिक्रमण जानते हैं, रात्रि भोजन बिना किनत्वम् अनुपन्नम्, विश्ववर्गम अमृतत्वं विना निषेधम् अनुपन्नम्। कथा प्रतिक्रमण कथा पर प्रकाश तथा च अनुपकार के इस प्रकार से इस प्रकार निश्चित भाव को युक्तिहीन हो जाने के कारण विश्ववर्गस्य अवस्तुत्वं सिद्धम्। क्या हुआ कि विश्ववर्गस्य अवस्तुत्वं विना निषेधम् अनुपन्नम्, यानी अर्थात प्रतिक्रमण जो आपने आप व्याख्या किया उसको फिर निषेध क्यों करते हैं? एक न्याय है, दुरादस्पर्शन प्रक्षालनाभिपङ्कस्य दुरादस्पर्शनम् प्रक्षालनाभिपङ्कस्य दुरादस्पर्शनम् वरम्। टीचर को लगातार के दुर्ग से अच्छा है कि जय में जाओ तो गिरो ही नहीं। श्रुति ने अपने ऊपर आत्मा को इतना टीचर लगातार के फिर उसको भूलने की व्यवस्था क्यों करती नहीं लगाती? परंतु समझने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए श्रुति प्रश्न उठाते हैं। ननु किमिति श्रुति क्यों श्रुति व्याख्यातम विशेष जाते हैं, जितने सारे विशेष को व्याख्यान दिया नहीं होते उसको निषेध क्यों कर देती है श्रुति? पंख प्रक्षालन न्याय आपका निश्चय तो क्या होता है? पंख प्रक्षालन न्याय है ना, उसको क्या बोलता है? प्रक्षालनाभिपङ्कस्य दुरादस्पर्शनम् वरम्। मतलब टीचर को लगा करके भोजन से अपेक्षा से दूर से देख कर तो सहटो न लगा, क्योंकि आशंक इस प्रकार शंका उठाने पर अग्रह्य भावेन इत्यादि व्याकरण श्लोक में आए हुए ना सेकेंड लाइन सर्व अग्रह्य भावेन ही पुनः कदम प्रकाशित उसकी व्याख्या करते हैं। देखो क्या होता है, जो स्थूल वस्तु हमको दिखाई पड़ते हैं उसमें जो हम बोलते हैं कि विचार लगा और फिर भया वो अनुकूलित है, पर जो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ता उसको समझाने के लिए हमको कुछ ना कुछ आरोप करना है। जो इंद्रियों में वस्तु है उस वहाँ पे तो ये न्याय लागू होता है। कौन सा न्याय? ये प्रक्षरण बंध प्रक्षरण न्याय बोलते हैं इसको। जब जो वस्तु स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है वहाँ पे तो विचार लगाना विचार होना वहाँ पे जो आवश्यक नहीं है, वस्तु दिखाई पड़ता है। परंतु जो वस्तु नहीं दिखाई पड़ता उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? कुछ ना कुछ आरोप करके तब समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पंख प्रक्षरण न्याय का प्रसंग यहाँ पे नहीं है। यदि कोई वस्तु दिखाई पड़ता तब तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको उत्तर देना है। ननु किमिति श्रुति श्रुति व्याख्या पर विशेष जात निम्न होंगे पंख प्रक्षरण न्याय आकार की आशंक आई अग्रह भावेन इत्यादि न व्याकरती उसको जो है जो हमको विषय रूप में दिखाई पड़ता है ये आत्मा के धर्म नहीं है, इसको निश्चित मोक्ष में वो अधिष्ठान तत्व प्रतिपादन करते हैं। ये देखिए हम लीजिए कि स्वयेष नेति नेति इति आत्मन अदृश्यता दर्शयती श्रुति है ना। निषेध मोक्ष आत्मा में इंद्रिय गोचर तत्व में धर्म नहीं है इसको प्रतिपादन करती हुई श्रुति भाष्य में है ना। यहाँ पे जो टीका आपकी भाष्य में थोड़ा सा ध्यान अब इसके सापेक्ष में भाष्य में भाष्य का क्या बोलते हैं कि स्वयेष लास्ट लाइन में 169 स्वयेष नेति नेति आत्मन अदृश्यता दर्शयती श्रुति आत्मा इंद्रियभंग वस्तु नहीं है इसको दिखलाती हुई श्रुति क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है उपायस्य उपेय निष्ठता अजानत। जो व्यक्ति ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता? उपाय उपेय निष्ठ होता है, उपाय उपेय निष्ठ होता है। मतलब इच एंड एवरी मीन्स इज टू व्हाट टू रीच द गोल। तो हमारे यहाँ पे जो भी कुछ वर्ण अक्षर आदि हमने अपनाया हमको भाषा सिखाने के लिए व्यवहार चलाने के लिए हमको और हमको सिखा करके ग्रंथ बंद नहीं हो जाता, उससे जो आगे वाक्य बंद है विषय बंद है उसको सिखाते हैं। कोई भी उपाय दो बार हमारा ब्रह्मसूत्र भाष्य में आया हुआ है कि एक अक्षर है उसके बाद में शून्य लग गया मतलब तो अक्षर अलग अलग भाषा में लिखिए जल शब्द हम कहना चाहते हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। कहीं वाटर लिखते हैं, कहीं जोए लिखते हैं, कहीं नीर लिखते हैं, कहीं पानी लिखते हैं, कहीं जल लिखते हैं। हर प्रत्येक भाषा के अल्फाबेट भी अलग होते हैं, परंतु सभी व्यक्ति का एक जल का बोध होता कि नहीं होता? सभी व्यक्तियों का एक वस्तु का बोध होता कि नहीं होता? अलग अलग भाषा में अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग उच्चारण सब होने में इसलिए उपाय होता है उपय निष्ठ होता है उसको बोध करने में। ये मिथ्या है, उपाय मिथ्या है, उपय मिथ्या नहीं है। परंतु जो व्यक्ति नहीं समझता
वो उपाय को भी उतना ही सच्चा समझेगा, वो उपाय को उतना ही समझ सच्चा समझेगा जितना उपयोग सच्चाई है। श्रुति वो निषेध करती है, क्योंकि ये हमारे लिए उपाय था वो उपयोग को समझाने के लिए, ये उतना सच्चा नहीं है जितना उपयोग सच्चा है। मतलब दोनों में पारमार्थिक और एक व्यवहारिक शब्द होता है ना, उसको लेकर के बोलते हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अजानत उपाय से उपय निष्ठता, अजानत उपाय तेन व्याख्यात उपेयता माभू, जो उपाय के रूप में दिखाया गया है जिसको उसमें उपयोग तमाम सत्यत्व तो न आ जाए। जुगल किशोर जी आप अपने मोबाइल को म्यूट करिए। उपाय तेन व्याख्या कस उपयवत ग्राह्यता, उपाय में उपेय की तरह समान ग्रहण योग्यता माँ हो उसमें सत्यत्व तो बुद्धि ना आ जाए। इसलिए श्रुति ने किया कि अग्राह्य भावेन हेतुना कारणेन बिंदु के सारा जितना जो दिखाई दे रहा है इस कारण से, मतलब उपाय को सत्य मानने से क्या हो जाएगा, उपयोग तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए उपाय से द्वारा जो उपयोग वस्तु सत्य है उसको प्रतिपादन करने के लिए श्रुति क्या करता है, जितना उपाय को अपनाया था सारा व्याख्या तो नहीं हुए जाता, जितना सारे उपाय को अपनाया था श्रुति अपने आप उसको निषेध करती है। भाष्यकार इस बात को टीकाकार समझा रहे हैं, भाष्यकार इस बात को टीकाकार देवावत देवावो ब्रह्मण रूपे मुक्तम च अमुक्तम च मर्तम च अमृतम चेतम चच सच च, इस प्रकार से मूर्त मूर्त ब्राह्मण वेदांग उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण, वहाँ पे वो अजात शत्रु ब्राह्मण ने क्या प्रतिज्ञा की थी, ब्रह्म के प्रवाणी थी जिनको निर्विशेष व्यापक तत्व को प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा वहाँ पे, और उसी प्रतिज्ञा को यहाँ तो मूर्त मूर्त ब्राह्मण के अंतिम में आके निषेध मुख से आधार तो आदेश नहीं दी न परमस्ती। इससे अच्छा उस निर्विशेष तत्व को समझाने के लिए हमारे पास इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, जितना भी हमने ऊपर मूर्त और मूर्त मतलब हो गया स्थूल और सूक्ष्म आकाश और वायु को अमूर्त कहा गया था और तेज जल और पृथ्वी को मूर्त रूप में कहा जाता है, ये जो है भूत और भोग जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सारा निषिद्ध है, और जिस अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा है वो निषिद्ध नहीं है। इस प्रकार से मूर्त मूर्त ब्राह्मण ने प्रतिपादन किया, उसी को देखिए छोटे रूप में टीकाकार दिख रहा है देवावतीना व्याख्या रूप प्रपंच अद्वितीय ब्रह्म आत्ममात्र पर्यावसायिता अप्रतिपद्यमानस्य ब्रह्मगत एव उपायत्वेन अभिमतस्य अपि प्रपंचस्य वस्तुत्वेन ग्राह्यत्व आशंकाया अमकण्टना सा मा भूत् इति अशेष विशेष राहित्येन अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप निर्धारणार्थम् आरोपितं प्रपंचं प्रतिषेधति स्तुति इति अर्थः। ठीक है, देखिए स्पष्ट कहते हैं देवावत इत्यादि ना देवावत ब्रह्मन रूपे इस प्रकार की वाक्यों के द्वारा व्याख्या तस्य रूप प्रपंच वहाँ पे व्याख्यान किया गया है, पहले नाम है कि पहले रूप है, रूप कहेंगे हैं कोई वस्तु देखेंगे तब उसका नाम होगा, इसलिए वहाँ पे रूप को कहीं रखा गया है। इसलिए बोलते हैं कि देवावत इत्यादि ना वहाँ पे ना वो जो बृहदारण्यक उपनिषद में तीन प्रकार के रंग के माध्यम से दिखाया सारा सृष्टि के पीछे लाल पीला और काला, मतलब क्या है सात्विक राजसिक सफेद रंग भी है सात्विक राजसिक तामसिक तीन प्रकार के वासनाओं की भिन्नता के कारण जो सृष्टि में भिन्नता दिखाई जाती है, और इसलिए रूप को आधार पर उसको निषेध कर दिया जाते हैं रूप को प्रपंच है ना देवाग इत्यादि ना व्याख्या कश्य रूप प्रपंच मतलब रूपात्मक जो जगत दिखाई पड़ता है रूपात्मक जो जगत दिखाई पड़ता है उसका, ठीक है अद्वितीय ब्रह्म आत्ममात्र प्रजावशयिता उसका प्रजावशय किसमें है उसको बोलिए इसमें भेद रहित व्यापकता को सिद्ध करने के लिए, इसलिए बोलता है अद्वितीय सजातीय विजातीय सकल भेद से रही जो व्यापक तत्व है वही हमारा स्वरूप है, इस इतने मात्र में बोध कराने के लिए इस प्रकार रूप प्रपंच को बनाया गया है। अप्रतिपद्य मानस जो लोग इसको समझ नहीं पाता उनके लिए अप्रतिपद्य मानस ब्रह्मवत एव उपायत्वेन अभिमतस्य जिस प्रकार उपाय के रूप में अपनाया था वो ब्रह्म की तरह ही उपाय के रूप में जिसको हमने अपनाया था वो रूप प्रपंच को उसको भी ब्रह्म की तरह ही सच्चा मान लेते हैं जो उसको नहीं समझ पाते इसलिए बोलते हैं देखिए ब्रह्मवत एव उपायत्वेन अभिमतस्य प्रपंचस्य उपाय के रूप में अपनाया गया था रूपात्मक प्रपंच वो भी ब्रह्म की तरह सत्य ये नहीं समझ पाने के कारण
क्या बोलते हैं वस्तु तेन ग्राह्यत शंकाया, उसकी ये भी पालना ठीक है। इस प्रकार उसको ग्रहण करने की जो एक मतलब शंका उनके मन में है वो तो सत्य समझता है, हमारा तो शंका है वो ये सत्य भाई के सामने आँख में दिखाई दे रहा, हम अपने आँख से देखते हैं रोज देखते हैं कि हिमालय के मित्र कैसे हो सकता है। अस्तुति बोलते हैं इसीलिए मित्र हो सकता है क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा एक भूमकर एक हिमालय मित्र स्वप्न दृश्य क्योंकि जो सत्य वस्तु है तो क्या बोलता है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए जो इंद्रिय गम्य है वो सत्य नहीं है। जो इंद्रिय गम्य है व्यवहारिक सत्य होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं, यदि श्रुति जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है वो इंद्रिय गम्य नहीं है निषेध कर देती है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रपंच वस्तु तेन ग्राह्यत्व शंका या प्रपंच पारमार्थिक इस प्रकार से जो ग्रहण करने की इच्छा होती है जो सामाभूत वहाँ पे सत्यत्व बुद्धि ना हो जाए सामाभूत यदि अशेष विशेष राहित्य में जितना भी विशेष हमने अपने ऊपर आरोप किया है जगत को लेकर इतना समस्या नहीं है सारा समस्या भी यहाँ बैठा हो जितना विशेष हमने अपने ऊपर आरोप कर रहा है वो हम अपना गुण मानते हैं और उसको पकड़ के रखते छोड़ने की इच्छा नहीं है। जब तक ये वो परिचय अहंकार को परास्त है और जिसे विवेक चुरमणि बोलते हैं सबसे सूक्ष्म जो है प्रतिबंधक बैठा मरंदन के अहंकार ये परिचय धनात्मक और वो जो है क्या होते हैं कि उसी के ऊपर सारा मंदिर बनाते जाते हैं। बाहरी जगत इतना हमारे लिए समस्या के कारण नहीं क्यों देखिए वो जो छांद उपनिषद में इंद्र को प्रजापति ऋषि बोलते हैं मधुबन सशरीर वापस अशरीर मावशंत्र जब तक इस शरीर के साथ तादात्म्य रहेगा तब तक तुम सुख दुख से बच नहीं सकते। अशरीर मावशंत्र यदि जीते जी शरीर के साथ तादात्म्य हो सकते हो प्रिय अप्रिय न स्पेशल तब तुम्हें प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं कर सकते तब तुम प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करेगा। ये शुद्ध की एक अभिप्राय है श्रुति की यह अभिप्राय जितना दृश्यमान प्रपंच नाम सत्यत्व बुद्धि बैठा रखा तो सारा विचार पूर्वक निश्चित करके उस निश्चित की अधिष्ठाता रूप में जो विद्यमान है भी मैं पूर्ण असंग रहता हूँ इसको निश्चय कराने के लिए सा माधुरी अशेष विशेष राहित्य न जितने सारे विशेष को हमने अपनाया वो सारा रहित है सबसे रहित हूँ मैं। इस प्रकार से अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप देखिए टीकाकार कहाँ बोल रहे हैं इसको निश्चित करने के लिए स्वरूप जगत को लेकर इतना समस्या नहीं है समस्या यहाँ पे बैठा हुआ है मैं जहाँ जहाँ ममत तो ईश्वर सृष्टि प्रतिबंधक नहीं है मनो सृष्टि प्रतिबंधक है समझ में आता है ये ईश्वर सृष्टि प्रतिबंधक नहीं है मनो सृष्टि प्रतिबंधक है। इसमें पंचदश में देखना तृप्ति दीप में कितना सुंदर समझा है मनोराज्य प्रतिबंधक इसलिए उसको धीरे 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 उसको निषेध करना है। इसलिए आप बोलते हैं अशेष विशेष राहित्येन अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपम निर्धारणार्थम उस तत्व को निर्धारण करने के लिए है ना यहाँ पे बोलते हैं निर्धारणार्थम आरोपितम प्रपंचम जो उसके ऊपर आरोपित किया गया था उस प्रपंच को प्रतिषेधति श्रुति निषेध करती है श्रुति ठीक है। इसके ऊपर देखिए दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी है दो नंबर टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी निर्धारित अर्थम आरोपितम है ना आपका तो श्रुति ने इतना आरोप करके क्या आवश्यकता है ये जो उसने बोला था ये तो अनर्थक हो जाएगा जब बोलते हैं नहीं नहीं ये अनर्थक नहीं है क्योंकि जहाँ पे वस्तु दिखाई पड़ता है इंद्रियों में वस्तु होता है वहाँ पे तो पंख प्रक्षालन न्याय अनर्थक है परंतु जहाँ भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता वहाँ भी इस प्रकार अध्यारोप होगा के बिना हमारे पास दूसरा कोई कष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तथा च न पंख प्रक्षालन न्याय अवसर सार्थक्य वैयाथाभ्यम वैरूप्या वहाँ पे सार्थक और असार्थक जहाँ पे आपका कीचड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे क्यों कीचड़ लगाएंगे परंतु जहाँ पे कीचड़ लगाए हुए नहीं समझ में आता वस्तु वहाँ का बोला है सार्थक वैरूप्य एक जगह सार्थकता एक जगह पे असफलता अनावश्यकता वैरूप इस प्रकार के जो विरूपता दिखाई पड़ता है इतिहास ये दृष्टान्त दृष्टान्त में ये भिन्नता है दृष्टान्त दृष्टान्त वैरूप्यता है क्या विरूपता है एक जगह पे वस्तु दिखाई पड़ रहा है एक जगह पे वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उस वस्तु को समझाने के लिए उसके ऊपर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता वहाँ पे जो है कुछ आरोप करके समझाया जा सकता है।
प्रपंचम प्रतिषेध की स्तुति, प्रपंच को निषेध करती है स्तुति। प्रतिषेधी तथा च प्रतिषिद्धत्वम उपाधि राय तो उपाधि इत्यादि ऊढ़ प्रतिषिद्धत्व उपाधि इत्यादि ऊढ़ मतलब यदि उपाधि और उपाधि के गुण जितना हमने आरोप किया था उसको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ऊढ़ मतलब करके था उससे समझ लेना चाहिए। इसको निषेध करते हैं श्रुति प्रतिषिद्धम प्रतिषिद्धत्व मतलब प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्धत्व किसको निषेध करना है उपाधि और उपाधि के धर्म उपाधि और उपाधि के धर्म उपाधि क्या हो गया हमारे लिए शरीर और उसके साथ जितना धर्म जन्म मृत्यु जरा भूत किया जितना हमने आरोप किया था ये सारा निषिद्ध ये व्याधिकरण है। हम लोग मानते थे इंसान को कार्य का जन्म मरण करना प्रति निर्माण लास्ट में अयुगपत प्रवृत्तेश्च जन्म मरण करणानां जन्म प्रतिनियमान अयुगपत प्रवृत्तेश्च गुणवृत्ति विरोधाच्च पुरुषोत्तम सिद्धम ऐसा तो पुरुषोत्तम सिद्धम त्रिगुण विपर्य वहाँ पे मान लो कालिका में अपने आप देखते जन्म मर्म करणानां प्रतिनियमान प्रत्येक जीव की जन्म मृत्यु इंद्रिय के व्यवहार अलग अलग ठीक है ना। और अजुगपत प्रवृत्ति एक व्यक्ति बैठ के पास सुनता है तो कोई महानाई करता है कोई गाना करता है कोई दौड़ता है एक साथ प्रवृत्ति नहीं होता। और दूसरा क्या हो गया कि कभी किसी के अंदर सात्विक गुण काम करते किसी के अंदर राजसिक गुण काम करते बोले कितने अच्छा पुरुष बहुत्तम सिद्ध पुरुष में अनेकता सिद्ध होता भगवान भाष्कर बहुत सामान्य उत्तर देते हैं कि जितना चीज आपने कहा पुरुष बहुत्तम सिद्ध करने के लिए ये आप अपने आप पुरुष में मानते हो कि नहीं मानते हो। जन्म मृत्यु पुरुष का छंद दर्शन में दो तत्व है पुरुष और प्रकृति तो जन्म मृत्यु पुरुष के मानते हो कि नहीं मानते हो गुण पुरुष में मानते हो कि नहीं मानते हो गुणवृत्ति पुरुष में गुण नहीं है पुरुष में जन्म मृत्यु नहीं है तो इसलिए यहाँ पे व्याधिकरण तुमको नहीं दिखाई देता है। तो एक जगह प्रकृति को धर्म को पुरुष में आरोप करके तुमने पुरुष को अनेक माना प्रकृति को अनेक माना वेदांत पुरुष को शास्त्र के अनुसार पुरुष एक है और ये मन अनेक है अंतकरण के भिन्नता के कारण ये एक ही सूर्य है अलग अलग प्रकृति में अनेक प्रकृति होती है ये बेसिक कंसेप्ट में भिन्नता है। इसलिए यहाँ पे जो हमने आरोप कर रखा उसको निषेध करने मात्र से अपनी पूर्णता को बोध हो जाता है। इसलिए बोलते हैं प्रपंच प्रतिष्ठी और बोलते हैं उपाय से कल्पित देखिए टीकाकर इसी को समझा रहे हैं उपाय उपयनिष्ठताम अजानता देखिए उपाय से कल्पितत्वेन वस्तुत्व अभावात जो भी उपाय हमने अपनाया एक बच्चे को आपने ए बी सी डी सिखाने के लिए छोटा छोटा कहीं गेंद में ए बी सी डी लिखा रहता है अपना छोटा छोटा ब्लॉक ला करके ए बी सी करके देते हैं तो उसको क्या वो ब्लॉक सिखाना आवश्यकता है कि वो अल्फाबेट सिखाना आवश्यकता है। वो जो उपाय अपनाया माता पिता ने बच्चे को ए बी सी डी सिखाने के लिए सिखाने के लिए उसमें तात्पर्य नहीं है तात्पर्य यही है कि बच्चे को जो विषय वस्तु की बोध हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं उपाय से वो बच्चा स्वयं ही वो जितना खिलौना फेंक देता है सब जब वो बोलना सीखता है संख्या सीखता है खिलौना सब फेंक देता है। जब व्यवहारिक जगत में आपको दिखाई पड़ता है तब हम इस खिलौना को नहीं फेंक पाए हम इसका कर देते जब बचपन में कितना खिलौना फेंक दिए अब इस खिलौना को नहीं फेंक पाए इसके बाद ये भगवान तो उसको समझाने के लिए उपाय से कल्पित वस्तुत्व अभाव उपेयस्य च सद् एकरूपत्वात् उपेते एकमत्व सद् और एक रूप है तथा त्रिकाल अवाधत्वं सत्यत्वं व्यभिचरित्वं एकरूपत्वं दोनों होने के कारण कथम तथा विध वस्तु प्रतिपत्ति आशंक इस प्रकार की वस्तु की प्रतिपत्ति कैसे हो सकते हैं तो अजम इत्यादि व्याचर्ष लास्ट पार्ट में है अजम प्रकाशते जन्म मृत्यु आदि जहाँ पे दिखाई दे रहा है उस स्थान को दिखा करके अब क्या होता है ये जहाँ पे नहीं है वो तुम हो जन्म मृत्यु भूख प्यार जरा व्याधि जहाँ पे ये दिखा करके जहाँ परिवर्तन है उसको दिखा करके हर परिवर्तन को फंडामेंटल कंसेप्ट है किसी भी परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व चाहिए नहीं तो परिवर्तन को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपके इसी शरीर के बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कितना परिवर्तन आपने देखा यदि एक अपरिवर्तनीय तत्व नहीं होता तो कभी भी आप इसको नहीं कह सकते। इसीलिए भगवान भाष्य का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बाल्याजाग्रता दुशुता सर्वास्व अवस्था व्यापीता सुमनुवर्तमान अहम की अंत
स्वात्मानंद प्रभु की प्रतिभा तस्मय से वो दर्शन इस एक उपाय है, इसके सिफारस नहीं है। उपाय से कल्पित तेन वस्तुत्व अभाव उपाय से तत्सत एक रूपत्व कथम तथा भी वस्तु प्रतिपत इस प्रकार की वस्तु कैसे हमारे अंदर को गुणी आशंक अजमेदि व्यादृष्टि जो क्या दिखा रहा है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जहाँ पे है उत्पत्ति ना जहाँ पे ये जहाँ पे नहीं है वो तुम्हारा स्वरूप है ये नहीं है इसीलिए तुम वहाँ पे जन्म मृत्यु आप समझ पा रहे हो यदि तुम्हारा भी होता तो हम नहीं समझ पा रहे सृष्टि अभी नहीं समझ पा नहीं जानने के कारण उपाय में सत्यत्व मान अन्वय क्या होगा जानने वाला क्या होगा उपाय में सत्यत्व नहीं इसलिए आप बोलते हैं ततश्च एवं उपायस्य उपयनिष्ठतामेव जानतु उपाय उपयनिष्ठ होता है इस प्रकार जानने वाले का उपयस्य च नित्य एक रूपतम कैसे बोध होगा वो जो उसको समझ जाएगा ये समझ जाएगा कि ये तो उपाय अपनाया गया था हमको समझाने के लिए उपाय अपनाया गया था हमको समझाने के लिए इसलिए उपाय में सत्यत्व नहीं है वो समझने वाला ही सत्य है इसलिए हम बोलते हैं कि जो इस प्रकार संगतश्च एवं उपायस्य उपयनिष्ठताम एव जानतु उपयस्य च जो उपेय है मतलब जिसको हम समझना चाहते हो बोल मैंने उसके लिए बोलते हैं उपयस्य नित्य एक रूप तमो नित्य है एक रूप है तभी जाकर इतने सारे परिवर्तन कम समझते हैं तस् सबाह्य अभ्यंतरम वो जो है अंदर बाहर सबसे मतलब अंदर सबसे बाहर सब प्रकार एक रूपया अजम आत्मतत्व जन्म रही वो जो हमारा स्वरूप है वो प्रकाश होते आप कैसे होते हैं स्वयं के अपने आप होता है इसके लिए आपको वो किसी माध्यम से प्रकाशित नहीं होता यहाँ तक कि मैं बार बार बोल रही हूँ ये जो पठन पाठन हम कर रहे हैं ये नहीं समझता कि इससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो आत्मज्ञान होगा ये अपने आप विचार करते करते अपने आप ये विचार नाश होकर के जो अंदर से आप अपने अनुभूति जानते होगा वो यदि यहाँ से उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति से होगा ना तो नाशोवाद भी होगा बचपन में हम फिजिक्स नहीं जानते थे कहते पूछते अब तो भूल गए मैं कह रहे ये पैसा ज्ञान नहीं है ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो नहीं जन प्राप्त होगी एक बार ये प्राप्त होता है तो कभी नाश नहीं होता यानी कि ये बुद्धिजन्य नहीं है ये बुद्धिजन्य नहीं है विचार ये एक अद्भुत स्थिति है ये जो है ये अभ्यास करने के बाद पता लगता है कि पठन पाठन तक भी तो मन को एकाग्र करने के लिए शुद्ध करने के लिए पठन पाठन सीधा मिल जाता है परंतु जो आत्मस्वरूप का बोध है वो इसको नाश करके उत्पन्न होता है इसीलिए हम बोलते हैं कि समारोपित सर्वस्व टीका में भी राज्य समारोपित सर्वस्व निषेधात एवं स्वातंत्र वस्तु अभाव निश्चया आरोपित सर्वादे अधिष्ठान अतिरेकेण असत्यवत उपायस्य मूर्तादे उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्रता एव प्रतिपद्य मानस ब्रह्मणस्य सर एक रूपत्वं उत्कृष्ट नित्य दृष्टि स्वभावत्वा इत्यादि जानतः तस्य उत्तमस्य अधिकारिणः स्वयं एव अन्न अपेक्षा अंतरेण दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है देखिए आदमी क्या होता है वो अपने आप होगा किसी माध्यम के नहीं ज्ञान अन्न अपेक्षा अंतरेण आत्मतत्व उत्तम विशेषण प्रकाशित होता है अपने आप आत्मतत्व प्रकाशित होता है वो जो प्रकाश होगा वो कोई इंद्रिय अथवा मन की विषय नहीं है वो इंद्रिय व मन की विषय नहीं है वो इस प्रकार की जो भी हम ये भी अविद्या क्षेत्र की महिमा है ब्रह्माकार व्यक्ति भी अविद्या का ही महिमा है इसलिए मनुष्याचार्य से बोलते हैं कि भगवान भाष्य का भी आत्मबोध बोलते हैं कि ब्रह्मकार व्यक्ति अज्ञान क्षेत्र में बनाया गया है इसको और नाश करेगा तो क्या ब्रह्मकार व्यक्ति अपने आप अज्ञान को नाश करके अपने आकार को भी अपने आप नाश करते हैं फिर केवल व्यापकता के भाग ही रहते हैं निष्ठल कतक रेलुगत भगवान भाष्य का कतक रेलुगत गंगा जी में गंदा पानी आता है तो आपने पूछे फिर फटकरी बोलते हैं जिसको थोड़ा डाल देते हैं वो फटकरी के अंदर गंगा जी के वो गंगा पानी को साफ करके अपने आप ही उसमें रहकर आपको डाल जाता है तो स्वच्छता को अपने में इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्माकार व्यक्ति जो क्या होता है ब्रह्मचिंतन ब्रह्माकार व्यक्ति ब्रह्म अभ्यास कुछ भी बोलिए ये करते करते क्या होगा वो ये अभ्यास को आकार अपने आप चला जाएगा कि निर्विशेष व्यापकता को अपने आप अंदर सभी
अपने आप अभी व्यक्त हो। जैसा जैसा हमारी पूर्वों की जो प्रारब्ध जन्म पूर्वों की जो दूरी को क्षय होगा और हम उसके प्रति सब देख प्रति हमें समर्पण कमिटमेंट होगा अपने आप अभी व्यक्त हो। अपने आप अभी व्यक्त हो अपने आप देखिए उसको बोलते हैं समारोह सर्वस्व निषेधा। जितना वस्तु हमने आरोप किया था आपके ऊपर सारे का निषेध हो जाने के कारण ही एक स्वातंत्र वस्तुत्व अभाव निश्चया है ना। अब उसमें आप स्वतंत्र रूप से क्या है उसका फिर निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वातंत्र वस्तुत्व अभाव निश्चया। अब क्या हुआ आरोपित सर्वाधिक जितना रज्जु के ऊपर आरोप किया सर्वाधिक अधिष्ठान अतिरेक असत्यव। इस प्रकार आपको रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प रज्जु से भिन्न है कि अभिन्न है। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प वो रज्जु से कभी भी भिन्न नहीं है क्योंकि उस सर्प को आप अधिष्ठान के बिना कभी भी नहीं देख सकते हैं परंतु रज्जु हमेशा उस सर्प से भिन्न नहीं है। यह इसलिए बोलते हैं कि आरोप सर्पाते रज्जु के ऊपर आरोप किया था जितना भी सर्पाते अधिष्ठान अतिरिक न सत्य वजह से अधिष्ठान के बिना उसके ऊपर सत्य सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से उपायस्य मूर्तादि ये जो उपाय अपने आप मुक्त मुक्त होता है उसका उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्र का उसके उपेय जो अधिष्ठान रूप है वो ब्रह्म से अभिन्न है। वास्तविक आप हम रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर्प को जब हम अधिष्ठान तत्व को दिखा दे रहे हैं हम स्वयं निश्चय करते हैं जिस समय मुझे ये सर्प दिखाई दे रहा था उस समय भी सर्प हम स्वयं निश्चय करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं उपायस्य मूर्ता दे जो उपाय अपने आ जाएगा मूर्ता मूर्त उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्र था वो क्या है अधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म मात्र है उससे भिन्न कर कुछ नहीं है। एवं प्रतिबद्ध मान से इस प्रकार समझने वाले व्यक्ति का ब्रह्मनश्च मतलब वो जिस समय क्या होता है वो व्यापक आता है कि भाग्य प्राप्त हो जाता है। सब एक और प्रथम होता क्या लगता है को नहीं असंग बोल रहे हमेशा विद्रोह रहने वाला था सर एक रूप हमेशा एक रूप में असंग अवस्था कूटस्थ नित्य दुष्ट स्वभाव वाली ध्यान मैं कूटस्थ हूँ मैं नित्य हूँ मैं दृक्ष रूप हूँ सबका प्रकाशक मात्र हूँ। दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं बन सकता है। दृष्टा यदि दृश्य बन जाए तो कोई व्यवहार नहीं चलेगा था कोई उसको देखने वाला कौन होगा। दृष्टा यदि दृश्य बन जाए तब कोई व्यवहार चलना संभव भी नहीं होगा क्योंकि व्यवहार तो दृष्टा का इसके लिए बस पहले देखा अब जो ये देखने वाला दृश्य बन गया इसको कौन देखेगा इसको व्यवहार कैसे करोगे। इसलिए कभी भी दृश्य नहीं होगा पूरा दृश्य अष्ट कर भगवान भाष्कर को क्या दृष्टा कभी भी दृश्य बन सकता है क्योंकि दृष्टा यदि दृश्य बन जाए सारा व्यवहार रूप हो जाएगा कूटस्थ नित्य दृश्य से नहीं दृष्टि दृष्टि के परिलोक विज्ञता अविनाशिकता वेदांत सूत्र होते हैं कि दृष्टा की जो दृष्टि है कि कभी भी परिलोक नहीं होता किंतु अविनाशी है कूटस्थ नित्य दृश्य स्वभाव यदि जानत इस प्रकार जानने वाले का तस् जिसको देखिए उत्तम से अधिकारी वो उत्तम अधिकारी के लिए समझ सामर्थ्य दे आप ये नहीं क्योंकि पहले बोल कर कहा है आश्रमर्थ्य भी कह लेना मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि उपासना उपस्टम तदर्थम मनोकम है ना उनको समझाने के लिए सूर्य चाहती है हम धीरे 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 मतलब उत्तम अधिकारी मान जाए कभी उपासना कर्म आदि के विधान करते हैं। तस्य उत्तम अधिकारी स्वयं एवं अपने आप ही देखिए इस चीज को ध्यान रखते स्वयं एवं अन्न अपेक्षा अंतरिणाम किसी की अपेक्षा के लास्ट जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो किसी की अपेक्षा नहीं रखे किसी की अपेक्षा नहीं रखे है ना। इसलिए बोलते हैं अपने आप ही अभिव्यक्त होता है जैसे ऊपर का ढक्कन हट गया मतलब अभी तक चावल हट गया अपने आप अब स्वयं प्रकाश अपने आप प्रकाशित होगा उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं एवं अन्न अपेक्षा अंतरिणाम आत्मतत्व उक्त विशेषण प्रकाशित भवत जो अपने आप किसी की अपेक्षा नहीं रखती वो हमारे स्वरूप रूप से आत्मतत्व स्वरूप के अंदर उक्त विशेषण मतलब समस्त विशेष से नहीं था यही उसका विशेषता है ना प्रकाशी भवत वो अपने आप यहाँ पे देखिए चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर तीन ऊपर के नंबर चार नंबर है ना तीन नंबर कितने नंबर पढ़ने में सदा एक रूपत्व
पांच नंबर प्रकार अर्थ विधि शब्द आदाय तदर्थ महकूटस्थ पांडे बोलते हैं। हमें बोले ना कि सर्वांगे अधिष्ठान परे असत उपाय मुख्यालय रूपय अद्वितीय ब्रह्मात्मात्मान ब्रह्मणस्य सर एक कूटस्थ नित्य विष्णु स्वभाव कदिप जानत तस् उत्तम से अधिकारी नहीं हम बोलते सदैव रूप उसी का बोलते हैं प्रकाश अर्थम उसको सत्यम आदाय प्रकाश अर्थ को ग्रहण करके तदर्थम उसको ये क्या बोला कूटस्थ ने इस रूप में अभिव्यक्त होगा कूटस्थ नित्य रूप शंकरवादी भी अपने ग्रंथ को नित्य तो मानते हैं परंतु परिणामी नहीं नित्य है। शंकरवादी अपने ग्रंथ को नित्य मानते हैं परंतु परिणामी नित्य है और वेदांती अपनी जो प्रकृति है उसको बोलते हैं कूटस्थ नित्य अपने जो मतलब अभिन्न निमित्त उपादन कारण जगत के ब्रह्म को मतलब अपने आत्मा को माना गया है और वो कूटस्थ नित्य उसको कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभाव का कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभाव वाला होने के कारण हम देखिए छह नंबर उसको बोलते स्वयं एक अन्न अपेक्षा अंतरेण टिप्पणी का एक छोटा शब्द लिख दिया प्रसंख्यानादि पूर्व मीमांसा दर्शन में प्रभाकार जो प्रसंख्यानवादी है मतलब विधि पूर्वक जो अनुकार उपासनादि कहा गया है ना विधि पूर्वक जो उसको मतलब हमारे तत्व समन्वया इसके भाष्य देखिए जब उस रूप में ब्रह्म सूत्र में उसमें देखिए प्रभाकर मत कोई उपासना शब्द को लेकर के तत्व से महाभाग को कोई उपासना नहीं है वो ना संबोध उपासना है ना प्रत्येक उपासना तो बोध मत है इसीलिए अपने परिकार बोलते हैं अब दूसरा किसी की कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है अंतकरण शुद्ध होने से अपने आप अंतकरण शुद्ध करने के लिए उपासना करेंगे पठन पाठन करेंगे अथवा कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे वो साधन को जैसा जैसा रूप से वो कर सकते परंतु ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं है ज्ञान केवल अंतकरण शुद्धि विशुद्ध अधिकरण की अपेक्षा है बाकी ज्ञान किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं रखते किसी निमित्त वस्तु नहीं केवल एक शुद्ध अधिकरण की अपेक्षा रखते हैं इसीलिए हमें बोलते हैं उसका हम अपने ऊपर आरोप करके गर्वित होते हैं तब ठीक है आपने को रहने दो वो इंद्र मन बुद्धि करे ना देखना सीखो उसको मैं इसके साथ में ठीक है वो मन बुद्धि की धर्म है व्यवहार के रूप में हो रहा है तो मैं नहीं तब निश्चय नहीं रहेगा मैं हमेशा नहीं विशेष हूँ इसी के स्वय केवल अन्न अपेक्षा मानते आत्मतत्व मुक्त विषय प्रकाश कल्पित उपायत्म प्रतिबिंबाधिपत और विरुद्ध इसलिए कल्पित जो उपाय हमने अपने कल्पित में उपायुक्त धर्म लाया वो प्रतिबिंब अधिपत हमारे पास तीन बात है आभासवाद प्रतिबिंबवाद आभासवाद और तीन बात बड़ा हाँ एक आभासवाद है एक प्रतिबिंबवाद है और एक हमारे अवच्छेदवाद अवच्छेदवाद आभासवाद और प्रतिबिंबवाद है अवच्छेदवाद ये तीन बात की उपयोगी है कि सभी भाष्यकार से मिलते हैं ये हमारे मुख्य रूप से इन पद्म पदाचार्य ये जो है हमारे प्रतिबिंबवाद को मानते हैं अब भामती का जो अवच्छेद बात को लेते हैं क्योंकि आभास बात से क्या होता है यहाँ पे मैं बुद्धि होता क्यों मुझे समझ में आता है आभास बात से क्योंकि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर आप यदि थोड़ा आयरन रखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उसको यूज करते हैं इसी प्रकार ये आत्मा की जो मैं बन की अचेतना का फील्ड है उसके ऊपर जितना भी जड़ वस्तु रखें वहाँ पर मैं ही लगू एक आभास बात को लेकर के और प्रतिबिंब बात को लेकर के जैसे दर्पण में जैसे गाड़ी चलाते हैं व्यक्ति वो पीछे से कितना गाड़ी कितना दूर में है किस रफ्तार में आगे जो अनुभवी ड्राइवर समझ जाए मतलब प्रतिबिंब को देख करके बिंदु समझ में आता है इसलिए प्रतिबिंब बात को और अवच्छेद पद को आपने ना इस प्रकार एक ग्लास में आकाश है ग्लास को आप यहाँ से ना ले जाएगा हमको क्या लगेगा वो आकाश इधर जा रहा है इस प्रकार आप मतलब सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है परंतु अंतर जो है शुद्ध आत्मा विद्यमान होने के कारण आत्मा के आवागमन हुई जैसा प्रतिबिंब हुई अस्तु आत्मा में आवागमन
फिर तीन बातें बोली क्या कल्पित सचरा उपायत्व प्रतिबिंबाधिपत है ना, कल्पित एक उपाय है जिसमें प्रतिबिंब हम अपने अविरुद्धम जिसमें कोई विरोध नहीं है, इसी बात की इसका अभिरुद्ध करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो है एक एक करके मंत्र को काटकर जितना हमारे अंदर शंका उत्पन्न है सारा शंका को एक एक करके मिला करेंगे। सूर्य वाक्य को, सृष्टि वाक्य को, उपासना वाक्य को, ठीक है सृष्टि वाक्य विरोध को लिया गया, सूर्य में उपासना आया हुआ है उसका क्या विरोध है, वो तो मैं कहीं बोलता रहता था कि निम्न अधिकारी को उत्तम अधिकारी बनाने के लिए सूर्य ने इसको भी था उत्तम अधिकारी के लिए उसका आवश्यकता पहले बोल कर आगे देखिए अगर अगले के लिए बता दे रहे आत्मतत्व अजम अद्वितीय परमार्थ भूतम, ठीक है ना, क्या सिद्ध हुआ कि ये आत्मतत्व ये जन्म रहित है, ये भेद रहित है, अरे पारमार्थिक आत्मतत्व अजम जन्म रहित है मतलब इसके साथ जन्म रूप जरा वाली जितना छह भाव विकार है सबसे रहित है, फिर अद्वितीय मतलब वहाँ के सजा के विजय तो सदभेद नहीं है और परमार्थ भूतम पारमार्थिक सत्य वस्तु है। द्वैतम तो माया कल्पितम असत्य प्रतिपादित प्रपंच जो दिखाई पड़ते हैं वो तो माया से कल्पित है और असत है, इसी प्रतिपादित एक चीज और भी समझना वेदांत में मिथ्या और असत शब्द खुद फ्रिक्वेंटली प्रयोग होता है। असत और मिथ्या में ये भिन्नता है कि असत वस्तु की प्रतीति नहीं होती और मिथ्या वस्तु की प्रतीति तो होती है परंतु जिस रूप में प्रतीति होती है उस रूप में प्राप्त नहीं होती, ये मिथ्या और असत में फंडामेंटल डिफरेंस है। असत वस्तु की कभी प्रतीति नहीं होती और मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती और अनित्य तीन शब्द अनित्य मिथ्या और असत, अनित्य मिथ्या और असत, अनित्य जगत अनित्य को लगभग सभी वादियों ने माना परंतु जगत को मिथ्या केवल मात्र वेदांत ने माना और असत तो बंधन पुत्र आकाश कुसुम इस प्रकार वस्तु के लिए प्रयोग होता है कभी प्रतीति नहीं होता। हम कभी भी वेदांत जगत का असत नहीं बोलता, वेदांत जगत को मिथ्या बोलता प्रतीति होती है, हाथ प्रतीति होती है करने का तो जिस रूप में प्रतीति हो रहा है इस रूप में ये हमारे लिए वस्तु सुखदायक होगा, ये वस्तु हमारे लिए सुखदायक होगा। आज तक किसी व्यक्ति ने कितना भी वस्तु अपने किस भावना से अपनाया है ये हमारे लिए सुखकार होगा। उसी व्यक्ति को पूछ करके देखो यदि जिस वस्तु को तुमने आज से 10 साल पहले अपनाया था यदि वो तुम्हारे लिए जिस सुख को तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें दिया होता तो दूसरे वस्तु को क्यों अपनाया, उसे क्यों आई बात नहीं, यानी कि जगत जिस रूप में आपको दिखाई दे रहा है वो सुख के द्वारा जो सुख आप नित्य नित्य सुख जो ढूंढ रहे हैं प्रत्येक जीव उसी को ढूंढ रहे हैं। जब तक वेदांत पठन पठन के लिए तो अधिकारी बोलते हैं परंतु वेदांत जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अधिकारी निरपेक्ष है, सभी व्यक्ति कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं 1 घंटा सुख में रहूँ अथवा कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं 1 महीना आनंद में रहूँ, चाहता मैं हमेशा आनंद में हूँ निर्दय आनंद में रहूँ हमसे अधिक आनंद किसी के पास पाऊँ, वो एकमात्र स्वरूप बोल के बिना होना संभव नहीं है। अनित्य शब्द क्या था, अनित्य वस्तु सावशेष नाश होता है, मिथ्या वस्तु निरावशेष नाश होता है। रज्जु के ऊपर दिखाई व्यवहारिक सर्प को मारेंगे पीटेंगे तो उसका कुछ राग रह जाएगा जलाएंगे, परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प जब ज्ञान रज्जु के ज्ञान से नाश होगा तो क्या रह जाएगा, सर्प का क्या रह जाएगा, केवल अधिष्ठान ही रह जाएगा, सर्प का कुछ नहीं बचेगा। ये मिथ्या वस्तु की नाश निरावशेष नाश होता है और असत वस्तु की तो दिखाई नहीं पाता। यहाँ पे सत्य भी बोला द्वैतम तो माया कल्पितम असत्य की प्रतम, द्वैत जो है माया से कल्पित है मिथ्या है ऐसा प्रतिपादन करके दिखाया गया। तत्व हेत्वंतर महा इस विषय में एक दुष्ट हेतु को फिर ग्रंथकार कहते हैं, इस विषय में जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है, है ना, ये आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, इस विषय में एक दुष्ट हेतु को कहते हैं। द्वैतम तो माया कल्पितम असत्य इसकी प्रतिपादन, द्वैत प्रपंच माया से कल्पित है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है इसको प्रतिपादन करके दिखाया। तत्र इस विषय में ही हेत्वंतर दुष्ट हेतु को कहते हैं सत्य श्लोक में सतो हि मायाया जन्म, सतो हि मायाया जन्म जुच्यते न तु तत्त्वतः, जुच्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य, तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते, जातं तस्य हि जायते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य
जातम तस्य विजायते। इन विद्यमान वस्तु का यहाँ पे सत से दो पर्याय, सत में क्या क्या विभक्ति हो सकता है? पंचमी षष्ठी दोनों हो सकते हैं, सत धातु के उपाधि से भी है तो पंचमी अर्थ मतलब सत से और सत का दो अर्थ हो सकते हैं ना। सत से अथवा सत का यदि जन्म कहीं आपको सुनाई देता है तो समझना वो मान्य है ना। सतो ही माया जन्म युचते न तो तब तक तो पारमार्थिक वहाँ से उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, पारमार्थिक वहाँ से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। यदि हमने विद्यमान है तो फिर उसकी क्या उत्पत्ति हो, और एक विद्यमान वस्तु से जो जन्म रहित है ऐसा अपने प्रतिज्ञा किया फिर उसकी कैसे उत्पत्ति हो जाए, तब उसको जन्म और जो मानो जायमान बोलो उसको सत ही माया जन्म जुटे न तो तब तक हो। सत से अथवा सत का यदि जन्म आपको दिखाई पड़ता है वो माया से ही होना संभव है, आपकी दृष्टि से होना कभी भी संभव नहीं करता है। जो वादी ऐसा तत्त्व तो मानते हैं तत्त्व तो जायते दस्य, जो वादी पहले प्रतिज्ञा की हमारे मूल तत्व अजय है और फिर बाद में क्या कहते हैं उसी से उत्पत्ति होती है तो प्रतिज्ञा हमें दोष आ ही जाएगा। अजय कहते हैं कि तत्त्व तो जायते तात्विक रूप में जन्म मानते भी तो जातम तस्य ही जायते, मतलब जो पैदा हुआ है वही फिर पैदा हो गया ऐसे मानना पड़ेगा। इसके पहले इसको कहा था कि कारण बिंदुते कौन मेनम जने मृत्युना भिन्न अस्मात मूला रखने में आपको शाकर जो ब्राह्मण तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण अंतिम जब दंडोवर ऋषि सभी ऋषियों से पूछते हैं बताओ कि मरणशील जी जब मृत्यु के तरह प्रसिद्ध हो जाता है तो फिर किससे उत्पन्न होता है, एक अधिष्ठान किया मैंने पिछला क्या बोलते हैं जात एव न जायते कौन एनम जाने पुनः आनंद आनंदम ब्रह्म राते दादू पढ़ाया विश्वकर्मा पढ़ाए वहाँ पर, मतलब वो तो पैदा ही हो रखा उसको कौन पैदा कर सकते थे, कारण हम प्रतिष्ठित करते ना वो किसी का कारण है ना वो किसी से बनता है उसका कोई कारण है। इस प्रकार से सूर्य आपने प्रतिष्ठित कर दिया, इसके पहले देखिए यहाँ पे आया हुआ है श्लोक नंबर हाँ संपूर्ण अपवाद संभव प्रतिष्ठित करते कौन वेणम जन है कारण हम प्रतिष्ठित करते इस श्लोक में बहुत ही संपूर्ति मतलब संपूर्ण रूपे न भगवत संपूर्ति दस्य अस्ति हिरण्य गर्भ को लेकर के कहा गया है वेदांत को कही जाता है ईशावा सुपरिषद का लोग पढ़े हैं वहाँ पे क्या आया हुआ है कि छह मंत्र आया हुआ है आपका सब अर्भुगत के बाद अंधम तम प्रविशंति के अवेदता उपासते तत्व भूय अधिपते तम जयता है अन्न देव अहुर देते अन्न अहुर अधिक सुमिया नाम दुष्कर्शे फिर विद्याम छ अविद्याम के दस प्रभेदों अविद्या मृत्यु अविद्या यहाँ पे क्या बताया था यहाँ पे जो अविद्या से क्या लेना है मृत्यु से क्या लेना है अविद्या से यहाँ पे आपने प्रकृति के उपाय भेजा मतलब शास्त्रीय कर्मों के आधार पर अविद्या मतलब वेद विहित शास्त्रीय कर्म अज्ञान में और उसके द्वारा मृत्यु देवता मतलब अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके विद्या अमृतम अस्मित फिर जो है उपासना के द्वारा आप एक शिक्षक को प्राप्त करता है। ठीक इसी के बाद आया हुआ है अन्न देव अहु संभव अन्न अहु संभव एक हो गया हिरण्यगर्भ की उपासना एक हो गया अव्यक्ति की प्रकृति की उपासना वहाँ भी ऐसा ही आयोग है विनाश एवं मृत्यु देवता संभुक्त अमृतम अस्मित पर जो माध्यम देव शाखा और कांड शाखा ने थोड़ा पार भी देता है कांड शाखा ने पहले विद्या अविद्या को लिया और संभुत असंभुति को बाद में तो माध्यम देव शाखा ने संभुति असंभुति को पहले लिया और बाद में विद्या अविद्या को लिया और कांड शाखा ने अंतिम मंत्र आदि अग्नि ने सुपधान अस्मान विश्वानि देव बलिदान देता और माध्यम देव शाखा में आता है ओम खम ब्रह्मी तो वहाँ भी इसलिए संभुति और विनाश के द्वारा कर्म और हिरण्यगर्भ उपासना को लिए गए हैं। आप यहाँ पे मानवीय को कार्य करना बोल रहे हैं सृष्टि की जो जब मान लीजिए भारतवर्ष की पहला नागरिक है भारत के प्रेसिडेंट और यदि भारत के प्रेसिडेंट को निंदा कर दिया गया है तो भारत की जनसाधारण की क्या मान्यता रह जाता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की पहले जो हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ की उपासना की निंदा की गई है हिरण्यगर्भ की उपासना की निंदा क्योंकि संभुक्ता वहाँ विग्रह बोलते विनाश नृत्य संभुक्त अमृत अपेक्षित अमृत है
अंधम तम प्रविशंति असंभूति उपासक संपूर्ण पकड़ वहाँ पर पूरी दी आगे गई। तो वो घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ उपासना की निंदा करके श्रुति स्वयं जो है सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे कि सारे देवता हिरण्यगर्भ को भी बिना है, हिरण्यगर्भ से आया हुआ है। कभी देवता जाते वर्ग इस प्रकार प्रश्न करते हैं, अंतिम में एक देवता को लाते हैं। तो एक देवता के सारा विकार है, मूल देवता को उपासना के रूप में निश्चित कर दिया गया, तो अन्य देवता की उपासना की क्या है माने जाता है। इसलिए शंभू के अपवादर्श माने शंभू के अपवादर्श समस्त प्रतिषेध थे, समस्त जो है सृष्टि को निषेध कर दिया गया। फिर आगे के कौन एनम जनेंगे ये कारण मन तो कार्य कर दिया, क्योंकि अद्वैत प्रवर्तन श्रुति वाक्यों के आधार पर अद्वैत पारमार्थिक अद्वैत मिथ्या श्रुति वाक्यों के आधार पर सिद्ध किया। इसलिए उस पुष्ट के वाक्य को उठा करके दिखा रहा है जहाँ पे सृष्टि वाक्य है और उसके आगे पीछे क्या है, अंदर में बात लेके बस सृष्टि वाक्य को देखा है, परंतु मान लो पड़े उसके आगे पीछे क्या उसको मिला करके निर्णय करते हैं। ठीक है, आगे समय को पहला बनाएगा अजम अभियोनि योगम प्रापदश्वर योगा अगति च गतिमत्ताम प्रापदेकम हि अनेकम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।